वो रात है जिसमें आप अपने खैमे में बैठे तलावत कर रहे हैं, तो आपकी तलावत की आवाज जब बुलंद होती है, आवाज तलावत बुलंद हुई हुसैन की, तो ऐसी उस आवाज में सोज था कि अपने तो अपने बेगाने भी आगे चलो, हुसैन कुरान पढ़ रहा है और हुसैन का कुरान सुनने के लिए बेगाने भी आकर बैठ गए। मुझे नबी पाक की वो अदा याद आई कि सरकारे दो आलम सल्लम मक्के में तिलावत करते तो अबू जाल भी सुनने के लिए आ जाता है। आज हुसैन की तिलावत बुलंद होती है तो यजीदी भी अपने आप पर काबू नहीं रखते, खैमे हुसैन का तवाफ करना शुरू हो गया और तिलावते कुरान सुनते हैं। ये रात हुसैन की तनियों की आखिरी रात है। ये वो रात है जिसमें इमाम पाक ने यजीदियों से कहा था कि मुझे बस एक दिन और, कल तक सफर, कल तुमसे बात करेंगे। मैंने एक दफा ये जुमला कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दो, तो एक साहब ने बड़ी प्यारी बात मुझे कही, कहने लगे कि हुसैन ने उनसे मोहलत मांगी नहीं थी, उनको मोहलत दी थी कि तुम एक दिन और सोचने का मौका देता हूँ कि हुसैन से लड़ने लगे हो, एक दिन और है तुम्हारे पास। तो आज वो रात है जब इमाम पाक अपने खैमों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से बातचीत हो रही है, हज़रत अली अकबर को बातें सिखाई जा रही हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी वसीयतें सुनाई जा रही हैं। ये वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बड़ी तकलीफ का वक्त है। ये वक्त हुसैन के अलावा कोई नहीं देख सकता, इस वक्त का कोई और सामना नहीं कर सकता हुसैन के अलावा। लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रतों को, आपकी बहादुरियों को, आपकी शुजाअतों को, आपकी इस्तेकामत को हम सलाम पेश करते हैं। सलाम का लफ्ज छोटा है, हुसैन तेरी अजमत बड़ी है, तेरी इस्तेकामत बड़ी है। खुदा की कसम, हमारी नस्लें भी अगर हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाएं, हुसैन का हक अदा नहीं कर सकते। हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएं, जिस हुसैन ने हमें इस्लाम दिया है, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्ला हुसैन। अगर हुसैन न कटते तो नबी का लाया हुआ इस्लाम फौत हो रहा था। हुसैन ने पकड़ के उसको जिंदा किया।